अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? बस अब तो खत्म हो गए माशाल्लाह से, कल या परसों ईद होगी। तो जी हम जा रहे हैं, मैं हूँ, अजलाल है और आबिद अली शाह है, उसको पिक करते हैं अपने घर से। तो जाते हैं थोड़ा बाजार, ये एक दो सूट मैं लेके आया, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं। सही से कॉटन के सूट है मेरे, तो उसको प्रेस करते हैं। और ये मक्खियां कहाँ से आ गई? और भी एक दो छोटी चीजें हैं वो लेनी है। तो चलिए जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। तो माशाल्लाह से जो रश है बाजार में तो देखने के काबिल है। और बस जल्दी जल्दी से जो है ना, हमने सौदा जो भी था ईद का तो वो बस कर लिया है। और अभी जाते हैं, ये गाड़ी का छोटा सा काम है वो करते हैं, और फिर जाना है जी बन्नू ड्राई क्लीन के लिए। तो यहाँ पे हाय, हाँ चलो, खाली है, एम्प्टी है। साइलेंसर वाले के साथ मेरा कुछ थोड़ा सा काम था, तो करते हैं। उस्ताद जी की तबीयत बहुत खराब है और रमजान की वजह से। उस्ताद जी ठीक है? तो जनाब, ये साइलेंसर अभी इंशाल्लाह सेट हो गया है, लेकिन आज जो बाजार का जो सीन है ना, तो वो बस इस तरह है जैसे बस कल ईद हो जाएगी। तो अभी जी जा रहा हूँ मैं बन्नू, मैं अपने कपड़े साथ लेके आया हूँ ड्राई क्लीन के लिए। तो उसको प्रेस कर लें, कॉटन के कपड़े हैं और ईद का हो सकता है कल ईद हो जाए, तो इसके लिए हमें चाहिए कि अच्छे से प्रेस कर लें, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो उसकी प्रेसिंग गर्मी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो अभी ड्राई क्लीन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे ड्राई क्लीन करते हैं। और भी जो है आपको आज बन्नू एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह का रश है। जनाब यहाँ पे गोश्त लेते हैं, रश भी नहीं है। अलीशा को गोश्त का अच्छा पता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार वो लाए गोश्त। और अजलाल ने जो है ना जलेबियों की फरमाइश की है, तो चले जी वो लेके आते हैं। तो अभी हम आए हैं ये यहाँ पे परिंदों की जगह पे, ओपन शॉप है आप देख सकते हैं। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो ये है पिंजरा है, तो चेक करते हैं इसको। 1200 प्राइस तो इतनी वो नहीं है, रिजनेबल है, लेकिन बहरहाल तो बस जनाब फिलहाल ना मैंने ये कबूतर ले लिया है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और चेक करते हैं अगर कुछ अच्छा सा मिला हमें, तो बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये कबूतर है 1000 रुपए का कह रहा है, लेकिन मुझे इतने खास यार नहीं लग रहे, खास नहीं है इतने। तो अच्छे से देखते हैं कोई खूबसूरत से जो हमें पसंद आए, तो इस साइड पे चेक करते हैं। लेकिन ये सारे जो है ना वो उड़ने वाले हैं, तो एक मरतबा उड़ गए ना, तो बस उड़ गए तो बस फिर ख़त्म, तो फिर आपको ये नहीं मिलेंगे कि ये कहाँ हो। एनी हाउ चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं, आगे शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा।
वहाँ भी। तो फिलहाल हमने जिसको डिक्की में बंद कर दिया है, हम अभी ग्रीन वाले का पूछ के तो अभी जा रहे हैं। तो फाइनली जी हमें ड्राई क्लीन का मिल गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी जाते हैं, ये वास्केट वगैरह तो सामने दिख रहे हैं हमें। तो जनाब फाइनली बस एक शॉप मिल गई है और हमारे कपड़े जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो बस अब नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना आते हैं और इंशाल्लाह फिर हमारे कपड़े परमिशन कम्प्लीट हो गए। तो थैंक्स टू मिस्टर। तो जी नमाज पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, उसके बाद आके कपड़ा चार्ज करते हैं। तो जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त और क्लास फेलो, सुपर स्कूल में मेरा क्लास फेलो तकरीबन 8-9 साल तक, बहुत टाइम बाद मुझे मिले। क्या कर रहे हो बंद में यार? बंद में ईद की शॉपिंग। ईद की शॉपिंग माशा खर्चे 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 लोगों को इंजेक्शन लगा लगा के, तो वो देखो वो यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। और मैं तो पीस रहा हूँ यार, आप बस अभी निवास से हो गया है। तो कैप्स ले रहे हैं बच्चों के लिए, पसंद नहीं आई साइज में, तो बस अभी तो के साथ शॉपिंग करना ऐसा है जैसे आप अपनी अम्मी के साथ आए। ये अम्मी है, अम्मी। शूज देख रहे हैं लेडीज वाले, लेकिन बहुत ही टफ चॉइस है हमारी, कोई पसंद ही नहीं आ रही हमें। एनीवे चेक करते हैं, बहुत क्वालिटी है यहाँ पे। तो कुछ लेते हैं डेकोरेशन का, यहाँ पे कुछ खूबसूरत सा देखते हैं, अगर पसंद आया तो। एनीवेज मुझे बड़ा शौक है इस तरह की चीज़ें लेने का, और बहुत दूसरी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जी ड्राई फ्रूट्स के जो मैं है तो अक्सर ड्राई फ्रूट्स लाता हूँ, बस वो शॉपर में ही होते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यार इसके लिए बॉक्सेस लेते हैं। तो ये बॉक्स फिलहाल हैं ये तीन, लेकिन ये साइज़ का इनका फ़र्क है, लेकिन है क्यूट से, और ये बड़े भी हैं। तो अभी दर्शा स्पेस भी ज़्यादा कवर करेंगे ना, स्पेस के भी बॉक्स में हो ना, जार टाइप नहीं होते ये, बहुत बड़े हैं। हाँ तो वही ना, तो चलो इन्हें हाँ चेक करते हैं। तो कैसे पाता तो बेटा पता नहीं तेरे को। तो ये जी बहुत ही बड़ा स्टोर, तो यहाँ पे चेक करते हैं, कभी कभी छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बंदे को मिलती नहीं है। नहीं हाँ यहाँ पे चेक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की, लेकिन जो हमने जो हमें चीज़ चाहिए तो वो नहीं मिल रही। चल जी ट्राई करते हैं देखते हैं। तो फाइनली जी हम कामयाब हो गए और बहुत ज़्यादा हमें मिल गए हैं। तो ये जो शॉप है ना बंदे में बेसमेंट में, तो इसमें जो है हर किसी की आपको वैरायटी मिलेगी, और ये हमारा मिशन जो है ना पॉसिबल हो गया, नहीं पॉसिबल मिशन पॉसिबल हो गया। तो चलो जी लेते हैं, कितने लेने हैं हमने, एक दो और तीन काफ़ी है आई थिंक, तीन हो गए। चलो ये इनफ है, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर ले लेंगे। अभी तो हमने शॉप देख ली है और इसका रेट भी हमें पता चल जाएगा कि रेट क्या चल रहे हैं यहाँ पे। और भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो जनाब वापस आ गए हैं शॉप में और वेट हो रहा है कि हमारा नंबर आए और हम जाएं घर। यार इतने घूमे हैं बाज़ार में कि बस तक बुरा हाल है। और फिर हम गए जी पिस्टल्स की शॉप पे, और वहाँ पे एक पिस्टल मुझे बहुत पसंद आई लेकिन जेब ने इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने कहा चलो अभी दलीजा यहाँ से निकलते हैं, मज़ा नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।